हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पैंट किसी भी प्लाजो में या स्कर्ट में हम हुक कैसे अटैच करते हैं। दो तरह की हुक आती है, एक तो ये वाली है जिनके पीछे ये पत्तियां लगी हुई होती हैं, ये वाली हुक आती है, और दूसरी हमारे पास आती है सिलाई वाली, मतलब उन्हें हम सुई से लगा सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये जिसमें हमें हुक फंसानी होती है, अटैच करनी होती है, उसमें बैक साइड की पत्ती आती है और ये उसका फ्रंट साइड का हिस्सा आता है, और फिर दूसरे में ये जो हमारी फ्रंट वाली पिन होती है ये वाली आती है, और इसके बैक साइड पे हमारी ये वाली पिन अटैच होती है। तो आइए देखते हैं अब हम हुक कैसे लगाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम हुक अटैच करते हैं, तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है मैंने। इसको एक्स्ट्रा रखने की वजह ये थी कि जब भी हम ये वाली हुक अटैच करते हैं तो इसकी ये जो पिन्स होती हैं ये हमें चुभे ना, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा रखते हैं। हम इसकी बाहर वाली साइड से इसे लगाएंगे, ये जो पिन्स हैं इन पिन्स को हम इसमें, आप यहाँ से 1 इंच का गैप छोड़ के इसे इसमें डाल दोगे, कपड़े में आप डालोगे तो ये इजीली चली जाएंगी, और इसकी बैक साइड पे हम ये वाला हिस्सा लगाएंगे। जो हिस्सा ऊपर को उठा हुआ है वो हिस्सा बाहर आएगा और जो हिस्सा बैठा हुआ है वो अंदर को जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगी, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है और इसका भी मुंह इस तरफ ही रहेगा। अब इसको हम ऐसे बाद में फोल्ड कर देंगे जब हम इसे अटैच करेंगे, उससे क्या होगा ये परफेक्टली फिट आएगा उसमें, और ये हमें अंदर से, अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो ये पिन्स हमें चुभती हैं कई बार, तो उसकी वजह से हम इसे अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देंगे। आप इस चीज़ में थोड़ा सा गैप रखने के लिए यहाँ पर कोई भी हैवी चीज़ आप रख सकते हो, और इसको आप किसी भी हैमर से, अगर आप हैमर से कर सकते हो तो हैमर से कर लीजिए, नहीं तो आपके पास प्लास होगा तब आप इसको अच्छे से ठोक लीजिए, क्योंकि जब आप इसे अच्छे से ठोक लेंगे तो ये अच्छे से लग जाएगी। अपना हाथ बचा के कीजिएगा थोड़ा सा ताकि ये अच्छे से लग जाए। तो ये अच्छे से दब गया है। इस कॉइन को रखने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि ये कॉइन मैंने इसलिए इसमें रखा था ताकि ये बिल्कुल दब ना जाए नीचे को, और हमारी हुक इसमें इजीली फंस जाए, क्योंकि आप इसको इसमें ऐसे अटैच करोगे तो ये, अगर इसमें स्पेस होगा तभी ये अंदर जाएगी। अब इस कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई मार देनी है। आप तुरपाई भी कर सकते हो, सिलाई भी कर सकते हो, उसका फ़ायदा ये है कि ये खुलेगा नहीं और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी हुक लग जाएगी, और इसकी बैक साइड पे भी सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। बैक साइड पे इसको थोड़ा सा कपड़े को खींच लीजिए, जहाँ पे आपकी इलास्टिक होगी वहाँ पे आप इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, एक बाहर की तरफ निकला होगा एक अंदर की तरफ निकला होगा, जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम अंदर डाल देंगे, और इसको भी हम ऐसे ही ठोक लेंगे। तो ये भी हमारी बिल्कुल लग गई है, हम जिस इसको ऐसे डालेंगे तो ये हमारी हुक लग के रेडी है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।